कोरोना महामारी और पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते पंजाब के सभी यात्री ट्रेन बंद हो गई थी। वहीं लगभग दो महीने के बाद अबोहर से हरिद्वार और दिल्ली के लिए दो ट्रेनें रवाना हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना दिशा निर्देशों का भी पालन के साथ ट्रेन चलाई गई है, साथ ही रिजर्वेशन करने वाले यात्रियों को भी यात्रा करने की इजाजत दी गई है। इस बारे में अबोहर के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने बताया कि कोविड 19 को लेकर सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, सिर्फ बुकिंग वाले यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत दे दी गई है। तो दो महीने बाद जो है अबोहर से हरिद्वार और दिल्ली के लिए ट्रेन चली है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते करीब दो महीने तक पंजाब में रेल यातायात पूरी तरह से बंद थी। और सबसे पहला मास्क लगाना जरूरी है, दूजी सीट बुक कराने जरूरी है, कोई भी जनरल पसेंजर नहीं बैठेगा विदाउट रिजर्वेशन। तो हरिद्वार गड्डी तो अब अबोहर तो 17 सवारी तो दिल्ली तो 37 सवारी ने सफर किया। अगर ये मलोट बठिंडा गिदड़वा जाना चाहते हो जाते हैं लोग, उन्होंने की करना पड़ेगा, उनके लिए बुकिंग जरूरी है। बुकिंग